चलो शेफ लोग, आप आज खाते हैं गार्निश कैसे करते हैं? बहुत से शेफ लोग जो है क्या कंजूसी करते हैं गार्निश में, तो मेरे पास केवड़ा नहीं है, तो गुलाब जामुन नहीं है, तो शेफ क्रीम नहीं था मेरे पास, तो रोगन नहीं था मेरे पास, धनिया नहीं था, जिंजर नहीं था, गार्लिक नहीं था मेरे पास, काजू नहीं था, तो ड्राई फ्रूट नहीं थे, तो घी नहीं था। तो प्लीज़ ये सब कंजूसी ना करें, खाने में ये चीज़ें डालेंगे तभी स्वाद आएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बेवकूफ़ बना के किसी क्लाइंट को अच्छा खाना खिलाओ, गेस्ट अपने आप आपके पास बार बार आएगा, ठीक है? तो अब हमने खाना बना लिया है, अब हम उसका गार्निश शुरू करते हैं, ठीक है? पहले किस पे कर रहे हैं? ये हमारी दाल पंचमेल है, ठीक है? इसमें आपको कुछ नहीं डालना, हमेशा गार्निश उसी चीज़ की होती है जो उस खाने में सामान पड़ता है। जैसे इसमें मिर्ची जाती है, तेल जाता है, धनिया जाता है, फिर अपना थोड़ा सा इसमें जिंजर डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा खाने को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें घी डाल दो। घी क्या है, ऊपर धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, अपना अरोमा छोड़ता रहेगा। फिर इसके बाद हमारा है बनारसी आलू, इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस खाली रोगन डालो, धनिया डालो, घी डालो और पिकअप करा दो, ठीक है? और पालक पनीर सब जानते हैं, पालक पनीर में क्रीम बटर से बन के रिच बनता है, तो इसमें आप क्रीम की गार्निश करिए। खाना वही है जो प्रेजेंटेशन अच्छी हो, देखने में अच्छी लगे, तभी गेस्ट भी खाता है इसको। ऊपर से आपका धनिया आ गया, फिर आपका जिंजर ओनियन आ गया, फिर आपका इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे सिलेट, ये रेडी है आपका। थोड़ा सा घी डाल दो इसमें, ये हो गया, ये आपका मूर घाटी लजीज, सेम वही क्रीम डाल के थोड़ा सा रोगन, थोड़ा सा घी और धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा टमाटर जूलियन, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी देखने में, और थोड़ा सा जिंजर। तो ये हमारा खाना रेडी है बुफे के लिए, बेटा अभी उठा सकते हैं आप लंच के लिए। आए आए, धन्यवाद। चलो चलो सारे चलो, थैंक यू वेरी मच।